हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, विच इज़ द पार्ट ऑफ एलजेब्रिक। और ये वाला चैप्टर भी हमारा अबाउट 5 मार्क्स का आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जिस इक्वेशन की पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में, जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इक्वल्स टू 0 का साइन आ जाता है यहाँ पर, मतलब इक्वल साइन जहाँ आ गया तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। अगर इक्वेशन नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इक्वेट मतलब वी आर इक्वेटिंग इट, इक्वल का साइन जहाँ पर आ जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें हम इक्वल का साइन लिखते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, वी हैव 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हमें इसमें ज़ीरोस फाइंड करने होते हैं। ज़ीरोस क्या होते हैं कि एक्स की वैल्यू जिस पे आंसर 0 आ जाए, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पे पुट करूँ और मेरा आंसर 0 आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरोस ऑफ दैट इक्वेशन, और वी कैन से रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, अब क्या होता है, वी हैव 3 मेथड्स। एक तो होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दैट आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक तो होता है कि हमें इक्वेशंस हैं बहुत सारी, फैक्टराइजेशन करना आता है, फैक्टराइजेशन के अंडर ही आता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हम जैसे मैं फॉर्मूलेज लर्न हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो क्या होता है, हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं उसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वेशन में तो उसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कहीं पे कॉमन आ रहा है हम उसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो हमारे पास जैसे 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं उसकी, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें। तो पहले मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाती हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है। ओके, सो एज वी हैव गिवन 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, 3 टर्म्स हैं तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म का मतलब क्या है, हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं 2 टर्म्स में। तो इसमें क्या देखना होता है, वी जस्ट चेक फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए और बीच वाली टर्म का जो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस होके 5 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस होके यहाँ आना चाहिए 5। तो आई एम गिविंग यू 2 सिमिलर क्वेश्चंस लाइक दिस, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 6। अब दोनों इक्वेशंस हमें सेम दिख रही हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब देखने में तो सेम लग रहा है लेकिन आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा। ओके, यहाँ पे प्लस होके 5 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस होके 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई होके 6 ही आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 6 के तो हमें पता है कि 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 3। ठीक है, अब 2 और 3 को प्लस करते तो 5 आता है लेकिन माइनस करते हैं तो 5 नहीं आता। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम ले लेंगे 2 और 3, तो जो भी हम लेते हैं हमारे 2 फैक्टर्स है 2 और 3, ये प्लस वाला है, सो आई एम टेकिंग 2 एंड 3, तो आई एम टेकिंग बोथ साइन लाइक -2x -3x। अगर प्लस हो रहा है तो दोनों साइन सेम आएंगे क्योंकि हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों साथ में माइनस माइनस दोनों साइन लिए हमने, होगा ये प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा, सो लाइक दिस। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं,
तो एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस टू आया, यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन लिया, अगेन एक्स माइनस टू आया। इसमें ये चेक होता है कि एक्स माइनस टू हमारा यहाँ पे जो जो भी ब्रैकेट में आ रहा है वो दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी एक्स माइनस टू आएगा, इन दोनों में से अगेन वी विल टेक कॉमन एंड हमारे पास ये एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज आ गई, एक तो टू आ गई और एक थ्री आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब आंसर हमेशा दो आएंगे क्योंकि एक्स की पावर टू है, डिग्री टू है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस हो के फाइव आना चाहिए, तो टू और थ्री करके तो माइनस वन नहीं आएगा, माइनस फाइव नहीं आएगा माइनस करके। तो हम यहाँ पर लेंगे सिक्स का फैक्टर, वन भी तो होता है, वन इंटू सिक्स भी सिक्स होता है, ठीक है। तो इसे हम वन और सिक्स ले लेंगे। अब इस केस में क्या होता है कि जब भी माइनस करते हैं, माइनस हमेशा ऑपोजिट साइन से होता है, तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तभी माइनस होगा। अब वो कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, हमारे पास जो ये साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है, हमेशा हमने कैलकुलेशन करी है कि बड़े नंबर के साथ साइन, बड़े नंबर वाला साइन आता है आंसर में। तो जो मेरा फैक्टर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन में ये वाला साइन ले लूँगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला साइन ले लेंगे, प्लस है तो प्लस वाला साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रॉम लास्ट टू वी विल टेक कॉमन एक्स, एक्स माइनस सिक्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन, एक्स माइनस सिक्स फिर हमारा सेम आ गया यहाँ पर एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स एंड वी विल हैव दिस फैक्टर्स। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके। अब जब हम इसे इक्वेट करेंगे, एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सिक्स एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस वन। तो दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर, ठीक है, हमेशा दो वैल्यूज आएंगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, ठीक है। तो इस टाइप से हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है और बहुत ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर हमारा प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, प्रोडक्ट करके तो आना ही चाहिए, और इसके ये जीरो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई नहीं हो रही है, कभी आपको फैक्टर्स बनाने नहीं आ रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डी, हमारी जो बेसिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, और डी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसके लिए हम डी निकालते हैं, इसी से हमें पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, और वी कैन से माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो ये फॉर्मूला है एक्स को फाइंड करने का। यहाँ पर भी दो वैल्यूज होती है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, मतलब एक्स किस टाइप का एक्स है। तो अगर डी हमारा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर रूट में कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी निकलेगी अगर ये पॉजिटिव आ रहा है। तो रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट। अगर डी इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो हमारे रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाते हैं, और अगर डी लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है मतलब रूट में माइनस आ रहा है, नेगेटिव रूट आ रहा है, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते,
वो रियल रूट्स होते नहीं हैं, तो यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट्स। तो ये चीज हमें पहले चेक करनी है जब भी क्वेश्चन में आएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर रियल एंड इक्वल आता है, रियल एंड इक्वल मतलब दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, तो दो बार लिखते हैं हम आंसर में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। अब जैसे एक इक्वेशन लेते हैं एंड वी विल अप्लाई हेयर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और फर्स्ट हम चेक भी करेंगे कि रूट्स किस टाइप का होगा उसका। तो क्वेश्चन है हमारा जैसे 2x² + 7x - 4 = 0। अब इसमें अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो पहले डी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज b² - 4ac। अब इसे सॉल्व करेंगे, b क्या होता है, यहाँ पर a मेरा 2 है, b 7 है, c 5 4 है, -4 यहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर a 2 b 7 और c -4। ठीक है, तो अब b की वैल्यू डालेंगे, 7² - 4 * a है 2, c है -4, ये आ जाएगा 49, यहाँ पर है 16 और 32, तो और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d 49 और 32 81। ठीक है, तो d आ गया 81। अब d की वैल्यू आ गई 81, अब मुझे दिख गया ये पॉजिटिव है, तो इट मींस रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x -b + -√d, यहाँ पर d लिख देती हूँ मैं, बाद में वाली डाल दूंगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b क्या था हमारा 7 + -√81/2 * 2, a की वैल्यू 2 है। अब √81 मुझे पता है, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ, इट इज 9, यहाँ हो गया 4। अब क्या करेंगे हम, x की तो दो वैल्यूज आती हैं, तो x को एक बार प्लस करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -7 + 9/4, और x की दूसरी वैल्यू आएगी -7 - 9/4, तो यहाँ पर हो जाएगा हम प्लस कर रहे हैं और उधर माइनस कर रहे हैं, तो -7 + 9 यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इट मीन्स 2, क्योंकि बड़ा नंबर 9 है तो 2/4, और यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू, दोनों माइनस माइनस हैं तो मतलब प्लस हो रहे हैं, दैट इज -16/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1/2, और यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू -4, हमारी दो वैल्यूज आ गई एक्स की। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेम मैं हर वीडियो में आपके साथ वर्कशीट शेयर करती हूँ, यहाँ पर भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, और आई एम गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, तो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, एंड देन यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन थ्रू मैसेजेस और कमेंट कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px - 5/4 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब हमें जी रूट दिया हुआ है इसमें, मतलब हमारे पास इक्वेशन है x² + px - 5/4 = 0, हमें दिया हुआ है कि 1/2 रूट है, 1/2 रूट है मतलब x की वैल्यू 1/2 है, और हमें क्या चाहिए कि p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी वैल्यू होती है x की, जब बोला जाए कि कोई रूट है या कोई जीरो है उसका,
तो इट मीन्स वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और जीरो के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/2 और सॉल्व करेंगे, पी को कुछ नहीं करेंगे, पी की एज इट इज़ वैल्यू रहेगी पी, और हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी को एज इट इज़ पी रहने देना, बाकी सब सॉल्व करेंगे। 1/2 का स्क्वायर ये होता है 1/4 प्लस पी बाय टू माइनस 5/4। नाउ वी कैन टेक नंबर्स को सॉल्व करके हम उधर ले जाते हैं, तो ये पी बाय टू ये इधर चला जाएगा, 5/4 यहाँ पे माइनस का था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, दिस बिकम 4/4 यहाँ पर है पी बाय टू, ये तो हो गया 1, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 2, ये यहाँ पर चला जाएगा और पी की वैल्यू आ जाएगी 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैं एक थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसमें इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन राइट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल फॉर्मूला वाला चीज लिखनी है इसमें, मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया है कि डी पॉजिटिव है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और हमें दिया हुआ है कि डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है जब भी डी की बात आएगी यहाँ पर। तो x क्या होता है हमारे पास, जब डी पॉजिटिव है x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हो, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में आ जाएगा यहाँ पर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और एलिब्रेट कर सकते हैं हम इसे, माइनस बी प्लस एक बार लिखो b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी बार में लिखो माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपल, बस इतना क्वेश्चन करना है आपको, बस फॉर्मूला लिख के आना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। इसी वर्कशीट का मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ, तो यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 2kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैव इक्वल रूट्स। ये 7th क्वेश्चन है, हमारे को इक्वेशन दे रखी है 9x² प्लस 2kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे गया है कि दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, ठीक है, तो रियल इक्वल हैव रियल रूट्स, तो रियल रूट्स हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो रियल रूट्स का मतलब है डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारे 7th क्वेश्चन की इक्वेशन है 9x² प्लस 2kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें रियल रूट्स दिया हुआ है, तो रियल रूट्स में आएगा कि डी ग्रेटर देन 0 होता है, ओके। तो डी ग्रेटर देन 0, तो डी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, मतलब b² माइनस 4ac। यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, और हमें कंडीशन दी हुई है कि रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स में ग्रेटर देन 0 आएगा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास b है ये 2k, a है 9 और c है 1, तो b की जगह 2k पुट करेंगे, x को नहीं लेते जब भी हम ये b² माइनस 4ac निकालते हैं, माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 4k² माइनस 36 ग्रेटर देन 0, और ये जैसे हम इक्वल को ट्रीट करते हैं वैसे ही ग्रेटर साइन को भी ट्रीट करेंगे, ये 36 उधर जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर का साइन ही रहेगा, k² ग्रेटर देन 36 अपॉन 4, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9।
अब के स्क्वायर तो आ गया 9। अब जब भी स्क्वायर होता है उधर रूट लगता है तो हमारे दो साइन आते हैं प्लस माइनस, तो के आ जाएगा प्लस माइनस रूट 9, मतलब के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो के की दो वैल्यूज आई हैं 3 और -3। ठीक है, तो इस टाइप से करना है जब भी आपको रियल रूट इक्वल रूट इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। तो 14th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 483, फाइंड द नंबर्स। तो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात आती है तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक जो नंबर आ रहा है, लाइक कंटिन्यूस नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 आता है और वहाँ पर हम लेते हैं x, x माइनस 1, x प्लस 1, ऐसे नंबर्स लेते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर बोला जाए कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो मतलब अगर ऑड नंबर है तो 1 3 5 ऐसे होगा, इवन नंबर है तो 2 4 6 8 ऐसे होगा कि वो इवन नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ पर हम किस टाइप से नंबर लेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी, एक नंबर ले लेंगे 2x-1, दूसरा नंबर लेंगे 2x+1। 2x-1 2x+1 इसलिए लिया है मैंने कि 2 जहाँ आता है, जब भी हम इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे, लाइक 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो 3 आता है, 2 में माइनस 1 करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए 2x-1 और 2x+1 लिया है कि 2x तो पूरा इवन नंबर है, इसमें एक नंबर माइनस कर दिया, इसमें एक नंबर प्लस कर दिया, तो इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 483। तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो 2x-1 × 2x+1 हमें ये दिया हुआ है 483। ठीक है, अब यहाँ पर इजीली मैंने इसलिए एक बार माइनस मतलब प्लस लिया है ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए a² - b² वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा a + b a - b, दैट इज 2x² - 1² इज इक्वल्स टू 483। ये हो जाएगा 4x² - 1 इज इक्वल्स टू 483। अब क्या होगा, माइनस वन उधर जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 4x², इधर हो जाएगा 484। अब यहाँ पर कुछ x तो है नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, लेकिन इसमें कुछ मिडल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, वी जस्ट टेक दिस 4 हियर। x² आ जाएगा 484/4, ये कटेगा, यहाँ पर बन जाएगा 121। तो x² 121 आ गया, 121 हमें पता है क्या होता है, 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 11। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई 11। तो इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और आंसर भी पूरा देना, ये नहीं कि x की वैल्यू यहाँ छोड़ दी हमने, उन्होंने नंबर्स पूछे हैं, x की वैल्यू नहीं पूछी है। तो ऑड नंबर्स थे क्या वो वाले, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो द नंबर्स आर, अब नंबर्स क्या हैं, हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, 2 11-1 ये क्या आ गया 22-1 दैट इज 21, एंड दूसरा नंबर है 2 × 11+1 दैट इज 22+1 इट्स 23। तो मेरे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आए 21 23, जिनका प्रोडक्ट आया 483। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट इसी वर्कशीट्स के बेस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूस। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप प्रैक्टिस करो एंड आस्क मी फॉर योर क्वेरीज। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।